मैं जितना इन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ये तनु उतना ही इनका मूड खराब कर देती। और अब तो आलिया भी, उसी की वजह से इनकी आंखों में आंसू। उन सब का हिसाब तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले इनका मूड ठीक करना है। क्या करूं? हाँ, म्यूजिक से इनका मूड जरूर ठीक हो जाए। प्लीज इसे बंद कर दो। इनका मूड तो और भी ऑफ हो रहा है, क्या करूं? ये चलने दो। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। थैंक यू और सॉरी भी। क्यों? मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं आलिया को वापस घर ले आऊं। मुझे आलिया के इस घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने जो कुछ भी किया उससे प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे उसे वापस घर लाना पड़ा। आई अंडरस्टैंड।
सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि आलिया बदल गई। उसने तनु की जान बचाई और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने पहले जो कुछ भी किया उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर आप इवेंचुअली ऐसा ही करेंगे, मैं जानती थी। आप जैसे इंसान हैं आप यही फैसला करते। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसे ही करता हूं और मैं कैसा इंसान? ये बात तो सिर्फ फूकी जानती थी मेरे बारे में। तो बस समझ लीजिए आपकी फूकी से ही पता चला। आपकी फूकी ने मेरे रॉकस्टार को बता दिया तो उसने मुझे बता दी। और क्या कहा मेरी फूकी ने? ये क्या चल रहा है निखिल? जो भी बात करनी है गाड़ी में बैठकर करेंगे। प्लीज गाड़ी में बैठो। अब बोलो क्या चल रहा है ये सब? पहले तुम बताओ कि तुम इतना डेस्परेटली क्यों मिलना चाह रही थी मुझे? बनो मत निखिल, मैं जानती हूँ तुम घर पे गए थे और वो भी तब जब मैं वहां पे नहीं थी। प्रज्ञा से मिलने गए थे ना तुम? बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, उसने खुद बुलाया था मुझे। बिजनेस मीटिंग? वाह, मतलब उसने तुम्हें बुलाया और तुम चले गए? तुम ये भूल गए वो तुम्हारी दुश्मन है? वो मेरी दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दुश्मन है। और शायद इसलिए उसने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया था एक बिजनेस प्रपोजल देने के लिए। एक्चुअली मैंने उसे एक ऑफर दिया। अब जिस काम के लिए लाइफ इंश्योरेंस फ्री हो उस काम के लिए मना कैसे कर सकता था मैं? किस काम की बात कर रहे हो तुम? वही काम जो तुम मेरे लिए करने वाली थी, जिसके लिए मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन ये अगर सामने से प्रज्ञा मुझे करके दे रही है, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो मैं क्यों नहीं उस ऑफर को ले लेता? यू टेल मी। बकवास मत करो निखिल, तुम प्रज्ञा का कोई काम वाम नहीं करोगे, इससे मेरा काम खराब हो जाएगा। और अगर दोबारा तुम घर पे आना तो मैं तुम्हें। तनु, वो घर तुम्हारा नहीं है। और प्लीज आइंदा ये ऑर्डर देने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हो। यू आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। और आज के बाद मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। आई होप दैट्स क्लियर। मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, अगर तुमने प्रज्ञा को आग लगी पड़ी है दुकानों में। अरे सब्जियाँ फ्रूट्स के भाव मिल रही हैं, पता नहीं फ्रूट्स किस भाव में मिल रहे होंगे। मम्मी जी हर जगह यही हाल है और आप 5-5 रुपए के लिए इतनी दौड़ धूप कर रही हैं। और आपके गहने देख के तो कोई बार्गन भी नहीं करेगा। तेरा क्या मतलब है? हाँ मैं बाजार आऊँ तो गहने नहीं पहनूँ? मेरा मतलब वो नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आप इतना तैयार हो तो शॉपिंग मॉल जाओ। अरे शॉपिंग मॉल वो तो और भी एक्सपेंसिव है, और ऐसे भी प्रज्ञा ने ना हाथ टाइट करके रखा हुआ है। ज्यादा पैसे खर्च किए तो एक टाइम का खाना ही नहीं देगी वो। मम्मी जी वहाँ पे ना इतनी भीड़ है, जरूर कुछ हुआ है। अरे तो तुझे क्या, जाने दे उसे, हम चलोगे? हाँ जी मैडम चलेंगे ना, 80 रुपए लगेंगे। 80 रुपए? तो ये मीटर किसे लगा के रखा है, दिखावे के लिए? मम्मी जी आप 2 मिनट ये पकड़िए, मैं अभी आती हूँ। नहीं भैया 60 रुपए दूंगी, बताओ। भाई साहब गलती से लग गया, जानबूझ के नहीं किया हमने। आप ठीक थे? अब तो सड़क भी गरीबों के लिए नहीं है क्या? कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जिएंगे, कहाँ मरेंगे? गलती हो गई, आपका जो भी नुकसान होगा हम देने के लिए तैयार है। आप प्लीज चुप बैठिए। गरीबों की जान की कीमत भी लगा देंगे ये, तो ये मामूली सामान क्या चीज है? पहले कोई हॉस्पिटल तो ले जाओ। अरे हाँ कितना खून निकल रहा है, इसको चोट लगी है कितनी? तनु और निखिल यहाँ? भाई साहब हमारे पास इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने का टाइम बिल्कुल नहीं। आप हमसे पैसे ले लीजिए प्लीज, जो भी इनका दवाई पानी का खर्च होगा आप हमसे ले लीजिए, आप ज्यादा ले लीजिए पैसे, लेकिन हमें जाने दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज आप पैसे ले लीजिए और जो भी मामला यहीं पे खत्म कर दीजिए प्लीज। देखो गरीबों की आवाज भी अभी बंद कर देना चाहते हैं लोग। अरे इतनी गर्दी क्यों है? चाहिए जा रहा? इन दोनों ने कार से टक्कर मारी और ठेला भी गिरा दिया और पैसा देके भागना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो गई से। अब
आप चेहरे से समझ सकते हैं कि हम गलती कैसे हो गई। दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। कौन है ये? गर्लफ्रेंड है। चलती गाड़ी मस्ती हो रही थी। बकवास बंद कीजिए आप, और ऐसे बात नहीं कर सकते। अब ऐसे बात कर कैसे सकते? बीवी है मेरी ये, और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ आप ऐसे बदतमीजी के साथ कैसे बात कर सकते? कर रहे हो तुम सबके सामने मुझे बीवी को ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कर बात करना हो सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, और तुम भी जरा ओवर एक्टिंग करो प्लीज। निखिल ने तनु को अपनी बीवी बोला। सब आप क्या बोल रहे हो? हम डिसेंट लोग हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, एक्सीडेंट हुआ यहाँ। तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना ही होगा, स्टेटमेंट लिखवानी होगी। साहब तो एक्सीडेंट हुआ है तो बंदा ठीक हो जाएगा, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। कोई तो रास्ता होगा ना सर? मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कानून है वो कानून है। निखिल ने तनु को अपनी बीवी कहा है, ये तो बात प्रज्ञा दी को बतानी पड़ेगी। थाना पास में ही है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो हल्दी का दूध। कहते हैं हल्दी का असर चोट पर जल्दी होता है, चोट जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे तुम्हें कोई ऐसी तरकीब पता है जिससे अंदर के चोट जल्दी ठीक हो जाए? होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे चोट देने में तो तुम एक्सपर्ट हो। खैर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती। वक्त ऐसे चोट जल्दी ठीक कर देता है। अब देखो ना, वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, अपने पांव पर खड़ी हो जाओ, और इन्हीं पैरों पर इस घर से रुखसत भी हो जाओ। तब तक के लिए हैव अ प्लेजेंट स्टे। और हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने तनु और उसके बच्चे को बचा ले। I mean, इस घर से जाएगी बेचारी तो बुढ़ापे में उसकी लाठी कोई तो होना चाहिए ना। देखो तुम और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस बच्चे का मेरा खानदान से कोई लेना देना ही नहीं, ना इनसे कोई लेना देना। खैर तुम बताओ, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? क्योंकि तनु की तरह तुम्हारे भी इस घर में गिनती के ही दिन बचे। मुझे लगा था कि तुम जेल जाके सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, वहां जाकर भी तुम यही सोच रही थी ना कि अब क्या नए गुनाह करूंगी। मैं जानती हूँ तुम इस घर में किस लिए आई हो, लेकिन तुम्हारे मकसद से मेरे मकसद में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तनु अकेली हो या उस जैसे 10 और, उसका मैं वो हाल करूँ जिसकी शक्ल देखकर दुनिया को पता चल जाएगा कि उसने गलती क्या की है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा वो हाल ना हो, जाकर आउट हाउस में रहो, क्योंकि उसका साथ दोगी तुम्हारा भी वही हाल करूँगी। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा इस घर में वापस आने का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। क्या है ना, तनु का वो एक्सीडेंट एक हादसा था और मेरा वहां पर होना महज एक इत्तेफाक था। सो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इत्तेफाक पे मैं अब भरोसा नहीं करती आले। इस वक्त मेरा पूरा ध्यान तनु पर है, तो ऑटोमेटिकली जो कोई भी उसका साथ देगा उस पर थोड़ा ध्यान तो मुझे भी देना पड़ेगा ना। अगर मैंने तनु के साथ किसी भी प्लानिंग में तुम्हें पाया, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तनु का होने वाला है। इसलिए सोच समझ के करना जो करना है। अरे मिताली भाभी, जूस नहीं बादाम का शेक पिलाइए, ताकि जो कुछ समझाया है वो अच्छी तरह से याद रहे। तो गई। अब मुझे ये बताओ आलिया, ये जूस तुम पियोगी या मैं पी जाऊं? क्या कमाल की फूटी किस्मत पाई है तुमने, मतलब अभी अभी इस घर में तुम्हारी एंट्री हुई और वापस जाने की प्लानिंग भी शुरू हो गई। नहीं नहीं, मतलब अब जब तक तुम यहाँ पर हो ना, तब तक तो मैं तुम्हारी खातिरदारी और सेवा बहुत अच्छे से करूंगी। पता चला तुम्हारे साथ साथ मेरी भी एग्जिट। ये मैं ही पीती हूँ, तुम ये हल्दी वाला दूध पियो।
निखिल ने हाँ कहा। इनफैक्ट उसने खुद सामने से कहा कि वो इस जॉब में इंटरेस्टेड है। वो तो मैंने ही कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अगर उसने अपने मुंह से खुद बोला है कि वो इंटरेस्टेड है तो ये तो और भी अच्छी बात है, हमारे लिए तो और आसानी की बात है। यू आर राइट पूरन, एक बार अगर वो हमारे साथ काम करने लग गया मुझे लगता है उसे तनु के अगेंस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अरे रचना ये मान गया है जाने को, जल्दी आ। भैया आ रही है वहाँ। हाँ रचू बोल। हेलो दीप, मुझे आपको निखिल के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। निखिल एक मिनट रचू, क्या हुआ निखिल को? दीप मैं अभी मार्केट आई हुई थी, वहाँ मैंने देखा कि ठेले वाले का एक्सीडेंट हुआ था कार से। और आपको पता है कि उस कार में कौन थे? निखिल और तनु। निखिल और तनु? हाँ दी, वहाँ बहुत हंगामा हो गया, पुलिस भी आ गई थी। हाँ, पुलिस उन दोनों को लेके भी जा रही है, और जिससे बचने के लिए निखिल ने बोला कि तनु उसकी वाइफ है, और ये भी कहा कि वो प्रेग्नेंट है। अगर आप किसी तरह ना अभी जीजू को पुलिस स्टेशन ले आए ना, तो इन दोनों का खेल अभी खत्म हो जाए। रचना तू आ रही है, मैं जाऊं? दी आप जल्दी करो, जल्दी कुछ करो, ठीक है? मैं रखती हूँ भाई। हाँ ठीक है रचू। हाँ मम्मी जी आई, दो मिनट। अगर रचू ठीक कह रही, निखिल और तनु एक साथ हैं, तो जो रिश्ता वो दोनों सबसे छुपा रहे वो आज दुनिया भर के सामने आ जाएगा। चलिए आपको मेरे साथ चलना है। अरे कहाँ जाना है? और मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। नहीं नहीं वो पुलिस स्टेशन जाना है, आले का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके लिए बयान देने जाना है, फोन आया था। तो मैं क्यों बयान दूँ? मैंने थोड़ी ना कोई एक्सीडेंट किया है, एक्सीडेंट तनु का होने वाला था, आलिया ने आकर उसे बचाया, मैं दोनों को घर पर ला रहा हूँ। इसीलिए तो फोन आ रहा है क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे ना, तो इसलिए आपका बयान चाहिए उनको। बार बार फोन कर रहे, मुझे कोई बयान नहीं देना, मैं इस वक्त अपना म्यूजिक सुन रहा हूँ। बयान देने में कितना वक्त लगेगा? आपको बस वहाँ जाना और बताना कि वहाँ पे हुआ क्या था। क्या पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है, तो अगर नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। मुझे जाना तो पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। चलते ना, चले चल। तनु ने आलिया के नाम से चाल चली थी, अब मैं आलिया का नाम लेकर ही उसे मार दूंगी। सारे कितना बोलता है रे तू? सर मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो ना, उधर बहुत सारा लोग था इसलिए मैं ये बात नहीं कर सका आपके साथ। लेकिन सब देखो ना, अभी मेरी बीवी यहाँ पर पहली बार पुलिस स्टेशन में आई और उसको उसका तबीयत बहुत खराब है, और पुलिस स्टेशन का चेहरा देख के उसका तो और टेंशन आता है और उसका तबीयत खराब हो जाएगा सर। और मैं उस ठेले वाले को पैसा देने को तैयार था, उसको जो ट्रीटमेंट रहेगा मैं उसको पैसा देगा। और देखो ना आप भी कितना मेहनत किया, हाँ ये धूप में इतना भागदौड़ किया, तो आपका भी मैं ख्याल रखूंगा ना साहब। देखो ना मेलिया साला हल्का रिश्वत देता है, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल कदम को रिश्वत देता है, अब तू देख डबल चार्ज मारेगा मैं तेरे को, हिट एंड रन का और रिश्वत देने का। चल बड़े साहब के पास। अरे सब कैसे चंदे लेके चल, इसे रिश्वत देता है साला। चल आप अंदर क्या करें, जल्दी जल्दी कीजिए ना। इतने धीरे धीरे क्यों? अरे ऐसी भी क्या आफत आ गई, रॉकस्टार हूँ अपने स्टाइल से हूँ। अरे ये पुलिस स्टेशन है, आपका कोई कॉन्सर्ट नहीं कि आप स्टाइल मार रहे हैं। जल्दी अंदर चलिए। एक मिनट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे अंदर बुलाया नहीं गया बल्कि तुम जबरदस्ती मुझे अंदर ले जा रही? ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? जैसे कि मुझे स्टेटमेंट लिखवाने के लिए नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन की ओपनिंग के लिए बुलाया गया, और मेरे रिबन काटने के लिए हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप मुझे पर शक कर रहे हैं। देखिए पुलिस वाले हैं ये, आप देर से आएंगे तो हो सकता है चिढ़कर आप पर बेवजह का कोई केस कर दे। नहीं बात कुछ और है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप खुद अंदर चलकर क्यों नहीं देख लेते कि चक्कर क्या है? चक्कर क्या होगा अंदर? फिल्मी चक्कर चल रहा होगा, है ना? लगता है आप डर रहे। मुझे क्यों डर लगेगा? I'm a rock star, मैं अंदर जाते ही ना पुलिस वाले कुर्सी से उठकर सलाम मारेंगे मुझे। अरे
इस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे फैंस हैं मेरे, समझी? ये तो प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं पता, इस पुलिस स्टेशन का सारा स्टाफ बदल चुका है, किसी का ट्रांसफर हो गया तो किसी ने नौकरी छोड़ दी, और जो नया इंस्पेक्टर आया ना, मैंने सुना है वो सेलिब्रिटी से बहुत चिढ़ता है, छोटी छोटी गलतियों पे उन पे केस कर देता है। इसलिए तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लाई हो, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ से फोन आएगा वहीं तो लेकर आऊंगी। ठीक है तो मैं पन्नू को फोन करके बता देता हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं फोन मत कीजिए, वो टेंशन में आ जाएगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वैसे ही टेंशन में आ जाएगी। नहीं मत कीजिए ना। क्यों नहीं करूं? वो हो सकता है अंदर। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा मतलब है हो सकता है वो भी अंदर हो ना, मतलब जैसे आप वहाँ मौजूद थे, वो भी वहाँ पे थी, तो पुलिस ने उसे भी बुलाया होगा बयान देने के लिए, तो वो हो सकता है अंदर हो या फिर नहीं हो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। आप प्लीज अंदर चलिए, आप जब तक अंदर नहीं चाहिए मैं बोलती रहूंगी आपको कन्विंस करने के लिए। कुछ छुपा रही हो? मैं नहीं, कोई और आपसे कुछ छुपा रहा। बहुत गलत हुआ है आपके साथ और गलत मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए प्लीज प्लीज बिना सवाल किए अंदर चलिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे।